आज हम आपसे ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने टीवी के छोटे पर्दे से अपनी करियर की शुरुआत की थी। टीवी ड्रामा में एंट्री करने के बाद उन्होंने बॉलीवुड में अपनी ऐसी जगह बना ली है जहां हर किसी तक पहुंचना सबके बस की बात नहीं है। हम आपको बता दें कि इस अभिनेत्री का नाम रीमा लागू है जिन्होंने बचपन में अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद एक्ट्रेस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन दोस्तों, आप एक्ट्रेस के बारे में तो सब कुछ जानते होंगे, क्या आप उनकी खूबसूरत बेटी के बारे में जानते हैं? कौन है, क्या करती हैं और कैसी नज़र आती हैं? इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको एक्ट्रेस की बेटी से रूबरू करवाने वाले हैं। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। रीमा लागू ने हिंदी के अलावा मराठी फिल्मों में भी काम किया है। रीमा ने सलमान खान की कई फिल्मों में माँ का किरदार निभाया। रीमा ने मैं प्यार किया, आशिकी, साजन, हम आपके हैं कौन, वास्तव, कुछ कुछ होता है और हम साथ साथ हैं जैसी कई फिल्मों में माँ के रूप में काम किया है। जिन्होंने सीरियल तूतू मैमे में सास बहू का किरदार निभाया है। ससुराल वालों की लड़ाई को दर्शकों ने खूब सराहा था। वहीं बात की जाए एक्ट्रेस की खूबसूरत बेटी की तो मृण्मयी अभिनेत्री रीमा लागू की बेटी हैं। अभिनेत्री रीमा लागू की बेटी मृण्मयी भी अभिनेत्री हैं जो मराठी फिल्मों के अलावा टीवी सीरियल्स में भी अभिनय करती नज़र आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने बॉलीवुड में काम नहीं किया है। हालांकि मृण्मयी ने मशहूर अभिनेता आमिर खान को फिल्म 3 इडियट्स में असिस्ट किया था। मृण्मयी भी अपनी माँ की तरह ही हिंदी सिनेमा जगत में काफ़ी नाम कमाना चाहती हैं। इसके लिए बहुत ही जल्द वे बॉलीवुड में एंट्री कर सकती हैं। ऐसा लग रहा है कि मृण्मयी लागू जल्द ही अपनी मां रीमा लागू की जगह पर नज़र आएंगी। हालांकि एक्ट्रेस रीमा लागू आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिर भी वह अपनी शानदार अदाकारी के लिए चर्चा में रहती हैं, एक जीता जागता उदाहरण भी हैं। मृण्मयी अपनी मां की तरह बहुत ही खूबसूरत और चार्मिंग दिखती हैं। नहीं नहीं, मृण्मयी सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहती हैं। मृण्मयी किसी न किसी वजह से सोशल मीडिया पर सुर्खियों में छाई रहती हैं। तो दोस्तों, आपको रीमा लागू की खूबसूरत बेटी के बारे में जानकर कैसा लगा, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही चटपटी और मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।